नमस्कार, हम राकेश मिश्रा जी के साथ हैं जो हमारे पास प्रतापगढ़ यूपी से आए हैं। इनकी उम्र है 54 साल और पिछले कुछ समय से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तकलीफ है इनको। इनको स्लिप डिस्क यानी कि जिसको हम PIVD कहते हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही है और उसकी वजह से ये अपना काम भी नहीं कर पा रहे। तो मिश्रा जी, तकलीफ कब शुरू हुई सबसे पहले? लगभग 2.5 साल पहले अचानक मैंने कुछ झुक करके उठाया तो कमर में दर्द शुरू हुआ। कुछ मेडिसिन लोकल लिया हमने लेकिन उससे कुछ रिलीफ खास नहीं हुआ। धीरे धीरे पर दर्द हमारे पैरों में जाने लगा, राइट साइड जी, राइट साइड। तो हमें खड़े होने चलने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके लिए फिर हमने सर वहाँ से लोकल डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लिया। जब नहीं आराम मिला तो फिर KGMU लखनऊ जी मैं पहुंचा सर। वहाँ न्यूरो विभाग में हमने दिखाया तो फिर उन्होंने MRI कराया तो बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कि आप 5-6 महीने रेस्ट कर लो, रिलीफ मिल सकता है। हमने कहा सर हम जॉब करते हैं, छोटी सी नौकरी है, अब छोड़ देंगे। आपने बताया था आप टीचर हैं? जी सर, टीचर जी। हमने कहा फिर वो दिक्कत आ जाएगी तो फिर कहा सर्जरी करा लो। लेकिन फिर हमने एक्सरसाइज किया थोड़ा सा और मेडिसिन जो दिए थे उनको लिया, उससे थोड़ा रिलीफ मिल गया हमको। 2-2.5 साल तक हमारा काम बेल्ट वगैरह लगा करके चलता रहा। लेकिन तो पेन किलर रेगुलर ले रहे थे? नहीं नहीं, पेन किलर नहीं लेते थे। अभी 1 महीना पहले लगभग 22-25 दिन पहले से ये दर्द फिर शुरू हो गया। और ये भी सीवियर पेन है सर, इतना ज्यादा है कि असहनीय हो रहा है और ये हिप से शुरू होकर के पूरा नीचे काफ तक जा रहा है। बहुत ही ओनली ऑन राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट में कभी दर्द नहीं हुआ? नहीं, लेफ्ट में नहीं है सर। बाथरूम जाना भी दुष्कर है सर। तो ये दर्द सिर्फ चलने में होता है या 24 आवर? नहीं, है तो हमेशा, लेकिन और समय थोड़ा सहन करने लायक रहता है, लेकिन खड़े होने पर चलने पर दिक्कत बहुत आता है। तो चलना चाहते हैं तो कितनी दूर चल पाते? बस मुश्किल से 10-20 मीटर। अच्छा, सिर्फ दर्द दर्द के साथ चलते हैं? ओके, बिना दर्द के नहीं। जैसे बैठे हैं तो भी दर्द हो रहा है, खड़े होंगे तो और बढ़ जाएगा। तो सिर्फ दर्द है या पैर सुन भी हो जाता है चलते? नीचे तो ये है, इस समय झुंझुनाहट थी, नमनेस है थोड़ी सी, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, सेंसेशन पता लग रहा है। अच्छा, नहीं चलने से ये झुंझुनाहट बढ़ जाती? बहुत क्लियर है। यूरिन में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। कोई फीवर आ रहा है? नहीं सर। ओके, तो ये बेसिकली टिपिकल स्टोरी रहती है पेशेंट्स की। 2-3 साल के बाद ही हमारे पास पहुंचते हैं क्योंकि एक एपिसोड होता है, कुछ मेडिसिन ली है और MRI होते ही जैसे अगर कोई सर्जरी के लिए बता भी दे तो हम जनरली हेजिटेट करते हैं। कोई भी होगा तो वो स्पेशली स्पाइन सर्जरी के लिए तो सभी हेजिटेट करते हैं। लेकिन अब तकलीफ ज्यादा है और अवेयरनेस है सब लोगों में, तो इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए लोग काफी फेवरेबल रिस्पॉन्स है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, रिकवरी बहुत फास्ट है। तो इसीलिए मिश्रा जी हमारे पास आए हैं। फिर भी सारी बातें ठीक है, स्पाइन सर्जरी का एक मन में डर तो रहता ही है। श्योर सर। क्या डर? वही मैं सर चूंकि टीचर हूँ बायो का। जी जी जी, एमएससी बायो भी मैंने किया है। जी जी जी, जी जानते हैं तो नर्व्स की माने पोजीशन और उनकी कार्य प्रणाली मालूम है। नर्व्स अगर डैमेज होती हैं तो फिर क्या स्थिति बनती है, तो उसमें सबसे ज्यादा भय यही लगता है कि चूंकि नर्व्स और स्पाइन दोनों सटी हुई हैं और स्पाइन पर ही आपको ऑपरेट करना रहता है, तो इसलिए हमको ये ज्यादा भय रहता है कि कहीं अगर नर्व्स डैमेज होंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर आगे की लाइफ जो है। तो एंडोस्कोपिक टेक्निक का यही फायदा है कि जो चीजें हम देखते हैं वो हमें 20 times मैग्निफाइड दिखती है। ये नेकेड आई से नहीं कर रहे हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे ही एंडोस्कोप में पूरे स्क्रीन पर हमें पिक्चर आती है जो नर्व होती है सारा। तो उससे क्या है कि डैमेज के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, और क्योंकि उसमें हम डैमेज नहीं करते मसल या बोन्स को तो रिकवरी भी फास्ट होती है। सर डॉर्सल साइड से जब खोलते हैं तो नर्व्स पहले आती हैं कि रिब्स पहले आती हैं? जैसे नर्व पहले आती है, नर्व को हम साइड में करते हैं, फिर जो डिस्क होती है उसके नीचे होती है। तो नर्व को हम हटा के साइड में स्पेस बना के डिस्क को जैसे ही निकालते हैं तो नर्व को जो प्रेस किया होता है वो रिलैक्स हो जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा।
बहुत अच्छा होगा, अभी तो यकीन से आए हैं से और आप पर इतना और हम आज जो भी हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं और आज मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है सर जब आप अवेयर करते हैं लोगों को, क्योंकि इससे तमाम लोग केवल पीड़ित हैं, वो बैठे हैं और वो डर के मारा भय के मारा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, सर्जरी में नहीं जाना चाहते हैं, उनको कोई वैद्य बता रहा है कि वैद्य यहाँ या कोई एक्सरसाइज कर लो फिजियोथेरेपी के लिए, हमको भी लोग तमाम कर रहे थे फिजियोथेरेपी से काम चलाओ ऑपरेशन मत कराओ, इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने अपने बच्चे से कहा सर कि आप जाकर डॉक्टर साहब से, जबकि मैं और डॉक्टरों से बातचीत कर चुका हूँ कई जगह पर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, लेकिन आपकी बातों का और आपके कार्यशैली का आपकी प्रणाली का देख करके बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे और कितने लोगों को आप जी हाँ थैंक यू आइए। तो कमर ऐसे टेढ़ी रहती है जी, लेकिन इसमें बहुत रहता है, इधर झुक के चलना पड़ता है धीरे धीरे, समझे वेरी पेनफुल, पूरी बॉडी लेफ्ट साइड में चली गई जी जी जी। तो अभी हिप से स्टार्ट हो गया, हिप से यहाँ तक जा रहा है काफी, एक बार उड़ा सकते हैं दर्द के साथ ही चलेंगे, हाँ ऐसे चलना पड़ता है, मतलब टैबलेट भी लेते हैं तो पूरा नहीं, टैबलेट आज नहीं लिए, कल लिए, सीढ़ी चढ़ पाते हैं, अरे चढ़ने सर चढ़ लेंगे लेकिन दर्द, चलो कोई कोई बात नहीं, सब चार स्टेप का नहीं नहीं फिर आप चल सकते हैं, आ जाइए अदरवाइज बहुत एक्टिव है लेकिन पेन की वजह से, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत डिसेबलिंग पेन है, सीवियर पेन है, अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, हाँ हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए सॉरी ठीक सर। तो हम एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं मिश्रा जी का, सबसे पहले लेफ्ट साइड देखेंगे जो नॉर्मल है, देखो मैं पैर उठा रहा हूँ, कोई दर्द होगा तब मुझे बताएंगे जी सर, कोई दर्द नहीं, नहीं। ऐसे लार इनकी बिल्कुल सही है, घुटना मोड़िए, नी और हिप बिल्कुल ठीक, लेफ्ट साइड इनको कभी पेन नहीं हुआ है, अब कंपेयर करेंगे राइट साइड से, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जहाँ भी पेन होगा तो मुझे बताना, तो अराउंड 40 डिग्री के आसपास इनका एस एल आर पॉजिटिव है, घुटना मोड़िए, इनका नी बिल्कुल ठीक है और हिप ज्वाइंट भी बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स पेन का रीजन सिर्फ पी आई वी डी है, स्लिप डिस्क है, ओके मैं दोनों तरफ जैसे हाथ लगा रहा हूँ आपको बराबर मालूम चल रहा है या कहीं सुन, इसमें ज्यादा मालूम है, इसमें थोड़ा हल्का अंदर की तरफ डिफरेंस है या बाहर की तरफ डिफरेंस है, नहीं समझ, जैसे सेंसेशन मिल रहा है दोनों साइड बराबर लग रहा है जी, जी, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट सेंसेशन आ रहा है, ओके ओके, अंगूठे को आप ऊपर खींचे, जोर लगाइए, मसल पावर बिल्कुल ठीक है, एंकल जर्क एक बार देखते हैं आपका, बिल्कुल रिलैक्स करें आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहे, यस एंकल्स आर प्रेजेंट है इधर, राइट साइड में देखते हैं इधर भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स एस वन नर्व के ऊपर इफेक्ट नहीं है इनका, ओके ऑल राइट, पोस्चर काफी हद तक करेक्ट हो गया, जो टेढ़े चल रहे थे झुक के चल रहे थे, काफ़ी हद तक करेक्शन है उसमें, और यस स्पाइन पूरा टेढ़ा था स्पैजम की वजह से, जो कि पी आई वी डी स्लिप डिस्क में हो जाता है, उसमें इमीडिएट रिलीफ है, जो कल हिप में पेन हो रहा था चलने में, नहीं हिप का पेन नहीं है, कॉफ का पेन है, और जहाँ जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ एनी टाइम कोई पेन नहीं, वहाँ पेन सर्जरी पर भी पेन नहीं, एक बार एक बार फिर चलिए, तो फॉर एनी सर्जिकल टीम द सेटिस्फेक्शन ऑन पेशेंट्स फेस इज द अल्टीमेट गोल, और मिश्रा जी सेटिस्फाइड रिजल्ट से, चलिए
वेरी कॉन्फिडेंट और ओपन सर्जरी के बाद हम विद इन 24 आवर ये एक्टिविटीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट को ऑपरेटिव साइड डिस्कम्फर्ट नहीं है, बॉडी एग्जॉस्टेड नहीं है क्योंकि कोई ब्लीडिंग नहीं है. आजिए आजिए तो यही एडवांटेज है जो हम पेशेंट्स को देते हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक से. और इसी वजह से जो पेशेंट्स का जो डर होता है मन में सर्जरी के लिए वो खत्म हो जाता है. तो मिश्रा जी का एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी. कल इनकी सर्जरी हुई है तो आज हम इनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं. इनको पेन था राइट साइड में, पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं. SLR इधर पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है. ये मैं हाथ लगा रहा हूँ सर, पता चल रहा है? ठीक है, उंगली चलाइए पैर की. वेरी गुड. राइट साइड जिधर इनको पहले पेन होता था, जहां भी पेन होगा मुझे बताएं. अब पेन है. कल 45 पे पेन था, आज 60 डिग्री तक हम आ गए हैं. तो इम्प्रूवमेंट है और ये फर्दर भी होगी, आगे भी होगी. ये हाथ लगा रहे हैं, पता चल रहा है? हाँ, हल्का नमनेस है. हल्का से यहाँ पे इस तरफ या इस तरफ? बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ. ओके, उंगली चलाइए पैर की. तो मसल पावर बिल्कुल ठीक है, हल्का नमनेस है. ये कुछ पेशेंट्स में रहता है शुरू में, फर्स्ट फ्यू वीक्स तक, जब कि उस नर्व को हमने टच किया है, रिट्रैक्ट करते हैं तो हल्की सी नमनेस कभी रह जाती है, बट वो कुछ टाइम के बाद अपने आप चली जाती है. तो मोटर सेंसरी सब इनकी सेंसेशन बिल्कुल ठीक है. SLR बढ़ गई है. पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है. वॉकिंग अच्छा कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं. एंड दिस इज हैपेंड विद इन 24 आवर्स. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी. अभी हम इन पेशेंट को डिस्चार्ज. आई एम सो प्लेजर्ड विद यू, सो प्लेजर्ड. आई कांट एक्सप्रेस. थैंक यू, थैंक यू. तो आज मिश्रा जी के 3 दिन हो गए सर्जरी के. एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी और आज फॉलोअप के लिए आए हैं और घर वापस जाने की तैयारी है. तो पूरी फैमिली हमारे साथ है. जो भी कमेंट्स सर आपके हैं रिगार्डिंग अवर सर्जरी, रिगार्डिंग द प्रोसीजर जिसके लिए आप आए थे, रिजल्ट, या हमारे जो ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूट की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और आपका जो माने मैकेनिज्म है वो भी बहुत अच्छा लगा. और सर्जरी तो सर मुख्य है, बाकी और सर चार सारी चीज़ें तो गौड़ हैं. मान लीजिए हॉस्पिटल तो अच्छा ही है, अब वो कितना महंगा है ये तो हमको नहीं पता लगा क्योंकि वो आप ही बीयर करते हैं. बस ये है कि हमारी सर्जरी बढ़िया हो गई, हमको सब कुछ मिल गया बस उसी में. तो मतलब आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड? रिजल्ट सब सेटिस्फाइड है सर. थोड़ा सा ये पैर में हल्का सा नमनेस है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही. जिस तरह तकलीफ में आए थे आप? नहीं, वो दर्द तो बिल्कुल तुरंत से ही सर, 2-3 घंटे में ही आपने खड़ा कर दिया. तो दर्द तो तभी से नहीं था जी. और जहाँ ऑपरेशन हुआ था वो भी दर्द बिल्कुल नहीं के बराबर है, वहाँ पता ही नहीं लगा कि ऑपरेशन भी हुआ है. बस ये है कि लेटे उठे रहने पर ये लगता है कि पैर में हल्का सा कुछ ऐसा है कि ये दूसरे पैर से कुछ कमी है. कुछ हाँ, कुछ भारीपन या कुछ लगता है जैसे अंदर नमनेस है या मस्कुलर जो है वो जितना होना चाहिए फ्लूएंसी वो शायद वो अभी नहीं, अभी रिकवरी में. जी जी. तो आई थिंक ये छोटे छोटे कमेंट्स जो होते हैं पेशेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कि पेशेंट कई बार ये सोचते हैं कि सर्जरी होते ही हम बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे डिजीज से पहले थे, ऐसा नहीं होता है. हर पेशेंट का एक एक्सपीरियंस अलग रहता है. जैसे सर ने बताया कि इनको हल्का सा उस पैर में उतनी एक नॉर्मल नहीं लग रहा है अभी तक, हालांकि पेन चला गया है. हाँ, पेन चला गया. तो कुछ पेशेंट कहते हैं उनको थोड़ी झुंझुनाहट रहती है, कुछ पेशेंट कहते हैं उनको हल्की सी जैसे स्टेप लेते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं तो उतनी जान नहीं लगती पैर में. तो हम इसलिए शेयर करते हैं आपके साथ कि मान लो आपकी भी स्पाइन सर्जरी कहीं भी होती है तो ये छोटी मोटी चीजें कुछ वक्त तक रह सकती हैं. क्योंकि कोई भी पेशेंट हमारे पास विद इन वीक्स नहीं आता है, हमारे पास पेशेंट सालों के बाद आते हैं. और जो एक नस सालों तक दबी रहती है जब उसको हम रिलीज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो सर्कुलेशन है उसकी पूरी इम्प्रूवमेंट आने में कुछ वक्त लगता है. और थोड़ा डायबिटिक भी है तो इसलिए हो सकता है कि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगे, बट पेन चला गया है एंड ही इज कंफर्टेबल. इनका जो पोस्चर था पहले हमने देखा था, अब काफी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं. एक चीज सर और कहना चाहेंगे अन्यथा न ले. जी जी प्लीज. जैसे सर लोगों को ये भी आप पहले से ही इन्फॉर्म करें कि जैसे आप तो दूसरे ही दिन लगभग नॉर्मल करके छोड़ देते हैं. हाँ जी. तो अगर बाहर से आदमी आता है तो बीच का 2-3 दिन उसको कहीं
आउट में गुजारना पड़ता। तो ये पहले से अगर जानकारी हो तो आदमी उसी तरह की प्रिपरेशन करके आए कि हमको दो तीन दिन अभी बाहर रुकना पड़ेगा डॉक्टर साहब से लास्ट वो लेकर। वैसे हम कोशिश करते हैं कि सबको हम टाइम फ्रेम बता देते हैं, पर शायद आपके केस में जी हमारे साथ गलती हुई होगी, माफी चाहते हैं। बट चलो ये मतलब अच्छे सजेशन है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम एज ए सर्जन लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, आप राजस्थान से आप बता रहे हैं आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के या विदेशों से भी आ रहे हैं आपके पास, तो उनके लिए पहले से अगर वो हो कि हाँ हमको दो दिन बाहर भी रुकना है तो उसी तरह सेटअप बना के चले, कोई रिलेटिव ढूंढ लें या अपने होटल की व्यवस्था करके उस तरह से चले, पहले से बुक कर लें होटल जी, 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 फला डेट से फला डेट तक हमको बाहर। बिल्कुल अच्छा सजेशन है सर, वेल टेकन, और हम आगे ध्यान भी रखेंगे कि पूरा इन्फॉर्म करें। और सर एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सोशल मीडिया पे भरोसा करके सर के पास जाएं या ना, क्योंकि सर के हाथों में समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद है, आप एकदम निश्चिंत होकर आएंगे एकदम बहुत अच्छा। मतलब हम वही बात कर रहे थे मिश्रा जी से कि हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि लोग जैसे वीडियो तो बहुत सारे लोग बनते रहते हैं कि पेशेंट को एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मिले जो वो उम्मीद कर गया। जी सर। और सर आप तो टीचर हैं, गुरु हैं, और हम यहाँ भी इसलिए बैठे हैं कि हमारे किसी गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, तो हमारी टीम को आशीर्वाद दीजिए कि हम इस तरह ही लोगों की सेवा करते रहें। भाई हमने तो आपकी लंबी उम्र की दुआ की, तब तक सेवा लोगों को करते रहें, भगवान आपको जी बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी जी।